नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे मलाशय यानी एनस और गुदा के क्षेत्र में एक प्रकार की रक्त वाहिकाएं मौजूद होती हैं जिन्हें हेमरॉइड्स कहा जाता है। इन्हीं रक्त वाहिकाओं में सूजन होने को बवासीर कहते हैं। ये समस्या मलाशय के अंदरूनी तरफ या गुदा की बाहरी तरफ हो सकती है। बवासीर के कुछ मुख्य कारण हैं: लगातार कब्ज रहना, गर्भावस्था, गंभीर क्रॉनिक खांसी और आनुवांशिकता। अंदरूनी बवासीर का सबसे मुख्य लक्षण है खून बहना। हालांकि बवासीर वाले टिश्यू का गुदा से बाहर आ जाने पर इसमें ब्लीडिंग के साथ अत्यधिक दर्द भी होता है। ये समस्या अधिकतर दबाव के कारण रक्त वाहिकाओं के खिंचाव से होती है, जैसे कब्ज की समस्या में। समस्या की गंभीरता और उपचार के आधार पर बवासीर के स्टेज 1, स्टेज 4 तक क्रमित किया गया है। पाइल्स के लिए किए जाने वाले आम उपचार में व्यक्ति को स्टेरॉइड व पेन किलर दवाओं के साथ खान पान व जीवन शैली के बदलाव करने के लिए कहा जाता है। जब बवासीर के साथ दर्द और ब्लीडिंग की समस्या होती है, उन मामलों में सर्जरी की आवश्यकता होती है। होम्योपैथी से बवासीर के कारण को ठीक करने में मदद मिलती है, जिससे धीरे धीरे बीमारी भी ठीक हो जाती है। होम्योपैथिक दवाओं से कब्ज को कम किया जाता है, जो बवासीर का मुख्य कारण है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनसे जो है पाइल्स यानी बवासीर का इलाज किया जा सकता है। वो दवाएं हैं सल्फर, सीपिया, पल्सेटिला, फॉस्फोरस, नक्सगोमिका, नाइट्रिक एसिड, रेटिनाइटिस, काली म्यूर, इग्नेशिया, हेमामेलिस, आर्सेनिक अल्बम, अमोनिया कार्प, एलोसोकोट्रीना, एस्क्यूलस, हिप्पोकैस्टेनम, म्यूरियाटिकम एसिड, कॉलिजोनिया, मेलीफोलियम आदि होम्योपैथिक दवाएं बवासीर के उपचार में इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, बवासीर का होम्योपैथी में इलाज कैसे होता है? होम्योपैथी में हर व्यक्ति के जीवन से जुड़े पहलुओं और अन्य कई प्रकार के आधार पर अलग अलग दवा चुनी जाती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि अगर एक दवा से किसी स्वस्थ व्यक्ति में कोई लक्षण उत्पन्न हो रहा है, तो बीमार व्यक्ति में लक्षण अनुभव होने पर उसी दवा की नियंत्रित खुराक का उपयोग किया जा सकता है। दवा को चुनने के लिए बीमारी के लक्षण के साथ साथ व्यक्ति को कोई समस्या होने की संभावना भी एक अहम भूमिका निभाती है। बवासीर होने के मुख्य कारण होते हैं लंबे समय से कब्ज होने की वजह से, मल करते समय अधिक जोर लगाने की आवश्यकता होना। समस्या का पूरी तरह से इलाज करने के लिए होम्योपैथिक दवाएं इसके कारण का इलाज करती हैं। ये दवाएं शरीर की स्वयं को ठीक करने की क्षमता को बढ़ाती हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बेहतर करती हैं। एक योग्य डॉक्टर के द्वारा दी गई उचित होम्योपैथिक दवाएं न केवल व्यक्ति का सामान्य स्वास्थ्य बेहतर करती हैं, बल्कि दोबारा से बवासीर होने से भी बचाती हैं। एक स्टडी के अनुसार रोगी को पहले हुई समस्याएं, शारीरिक परीक्षण और बीमारी के लक्षणों के आधार पर चुनी गई उचित होम्योपैथिक दवाएं बवासीर के लक्षणों को ठीक करने के लिए असरदार होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि बवासीर के उपचार के लिए हर व्यक्ति के अनुसार दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाएं जीवन शैली बेहतर करने के साथ साथ बवासीर के लक्षण को भी ठीक करती हैं। हालांकि बवासीर के कुछ मामलों में जब दर्द और ब्लीडिंग केवल दवाओं से ठीक नहीं होती है,
तो इसके लिए ऑपरेशन करना आवश्यक हो जाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन सी दवा किन लक्षणों के आधार पर दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सल्फर। सल्फर बाहरी और अंदरूनी दोनों प्रकार के बवासीर के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। ये दवा उन लोगों के लिए अधिक असरदार है जो पतले हैं, उनके कंधे थोड़े झुके हुए हैं, चिंतित रहते हैं, तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं, मौसम के बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं और जिन्हें खड़ा रहना पसंद नहीं होता है। सल्फर से उन नसों का उपचार किया जाता है जिनमें खून जमा हुआ है, जिससे बवासीर की समस्या होती है। और इसमें ये लक्षण भी हो सकते हैं, बार बार बवासीर होने की प्रवृत्ति, बवासीर के साथ गुदा के क्षेत्र में खुजली, गुदा के क्षेत्र में मौजूद रक्त वाहिकाओं की सूजन के साथ दर्द होना जो पीठ की तरफ फैलता है, गुदा क्षेत्र में तेज दर्द के कारण चलने में दिक्कत, गुदा में ऐसा दर्द होना जैसे उस क्षेत्र में वजन हो, ये दर्द बैठने से और लेटने से बढ़ जाता हो, खड़े होने पर बवासीर के कारण होने वाली समस्या कम हो जाती हो, तो ऐसे लक्षण होने पर आप जो है सल्फर 30 पोटेंसी की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। ये दवा उन लोगों को सूट करती है जो पतले हैं और जिनका रंग गोरा है, वो पलकें नाजुक हैं, ऐसे लोगों के कंधे झुके हुए होते हैं और वे घबराए हुए रहते हैं और उनमें ये लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे गुदा में स्थित एक रक्त वाहिका की सूजन के साथ उनसे खून बहना, गुदा के मुख ढीला होने के कारण बवासीर की गांठों का आसानी से बाहर आ जाना, जैसे गैस पास करते समय भी, गुदा का मुख ढीला होने के कारण मल करते समय बवासीर की गांठ का बाहर आ जाना, ऐसा महसूस होना जैसे गुदा का क्षेत्र ढीला और उसका मुख खुला हुआ है, गांठों में से पतला बलगम जैसा रिसाव होता हो, बवासीर के साथ साथ पेट में घबराहट या दबाव महसूस होता हो, त्वचा को थोड़ा मलने से बेहतर महसूस होता हो, ऐसे सिम्टम्स होने पर आप जो है फॉस्फोरस दे सकते हैं। फॉस्फोरस 30 की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं नक्शभूमिका। ये दवा बुद्धिमान, चिड़चिड़े और सुस्त जीवन शैली वाले लोगों पर अधिक असर करती है। ऐसे लोगों को कब्ज होने की संभावना होती है और उन्हें शराब पीने की आदत भी होती है। ये लक्षण भी हो सकते हैं गर्भावस्था व डिलीवरी के बाद काम न करने के कारण कब्ज रहने की वजह से बवासीर होना, सामान्य या खूनी बवासीर के साथ गंभीर जलन होना और जो ठंडे पानी में बैठने पर बेहतर हो जाती हो, बवासीर से प्रभावित टिश्यू में खुजली होना जो रात के समय बढ़ जाती हो, लगातार मल करने की इच्छा बनी रहती हो, मल के साथ चटक लाल रंग का खून या खून के साथ बलगम आने के सिम्टम्स मिलते हों, ठंड के कारण समस्या बढ़ जाती हो, गुदा में दर्द होना जो छूने पर और तेज मसालेदार खाने के बाद बढ़ जाता हो, ऐसे सिम्टम्स होने पर आप नक्शभूमिका 30 पोटेंसी की 4-4 बूंद डायरेक्ट टंग पर सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। ये दवा उन लोगों को ज़्यादातर सूट करती है जिन्हें पेट की समस्याएं, बवासीर और लंबे समय तक रहने वाले कब्ज होने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग चिड़चिड़े, उदास व डिप्रेशन में रहते हैं और उन्हें गुस्सा और शांत होने में समय लगता है। ये लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, लंबे समय तक रहने वाले कब्ज के कारण बवासीर होना, दर्दनाक गांठ बनना जिनसे बार बार ब्लीडिंग होती हो, गुदा में भारीपन महसूस होना जो मल करने के बाद अनुभव होता हो, गुदा में गंभीर जलन व दर्द के साथ अत्यधिक खुजली होती हो, बड़ी बड़ी गांठों के कारण गुदा में रुकावट होना जिससे कब्ज होती हो,
दर्दनाक और बड़ी गांठें बनना जिनके कारण बैठने, लेटने और खड़े होने में मुश्किल हो जाती हो। ठंड के समय में बवासीर के लक्षण बढ़ जाना और चलने पर बेहतर महसूस होना। ऐसे सिम्टम्स होने पर आप जो है एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम दे सकते हैं। इसकी 30 पोटेंसी की 4-4 बूंद डायरेक्ट टंग पर सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा हेमामेलिस वर्जिनिका। हेमामेलिस दवा बवासीर के लक्षण के बढ़ने पर उपयोग की जाती है और लंबे समय तक चल रहे कब्ज की समस्या में अधिक रक्तस्राव होने पर इसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। जहां ब्लीडिंग हो रही हो, बार बार जो है ब्लड आता हो, ऐसे सिम्टम्स होने पर और गहरे लाल रंग का अत्यधिक ब्लड आ रहा हो, गुदा क्षेत्र में रक्तस्राव के साथ गंभीर दर्द हो रहा हो, बवासीर के साथ पीठ में भारीपन होना, जैसे पीठ टूटने वाली है, ऐसे सिम्टम्स होने पर आप जो है हेमामेलिस दे सकते हैं। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। दोस्तों अब बात करते हैं पल्सेटला की। पल्सेटला नाइग्रेकिंस, ये दवा उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जो स्वभाव से सौम्य, संवेदनशील और डरपोक होते हैं। ये लोग आसानी से रोने लगते हैं, इनमें बीपिंग टेंडेंसी मिलती है, अपने फैसले नहीं ले पाते हैं और उनका दिमाग अस्थिर होने के साथ उन्हें अलग अलग शारीरिक लक्षण अनुभव होते हैं। उनको महसूस होता है बिना रक्तस्राव वाला बवासीर हो, बवासीर का दर्द होना जो पीठ तक फैलता हो, बवासीर के कारण गुदा में गंभीर खुजली और चुभन वाला दर्द होता हो, गांठों का गुदा से बाहर निकलना और साथ में बलगम वाले खून का रिसाव होना, खासकर मल त्याग करते समय अत्यधिक ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग के साथ बेहोश हो जाना, गुदा पर ठंडा पानी लगने से समस्या बेहतर हो जाती हो और गर्मी से बढ़ जाती हो, ऐसे सिम्टम्स मिलने पर आप जो है पल्सेटला नाइग्रेकिंस मेडिसिन 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद डायरेक्ट टंग पर दे सकते हैं। बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है एलोसोकोट्रीना। ये दवा उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जिनकी मांसपेशियां ढीली हैं और उन्हें कब्ज व पेट संबंधी समस्याएं होने की संभावना है। ये लोग कब्ज के कारण ज़्यादातर गुस्से में चिड़चिड़े रहते हैं और ये लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। खूनी बवासीर, खासकर बुजुर्गों में बहुत अधिक रक्तस्राव के साथ बवासीर की गांठ का अंगूर के गुच्छे की तरह गुदा से बाहर निकल आना, गुदा में अत्यधिक भारीपन महसूस होना, बवासीर से संबंधित दर्द और गर्माहट महसूस होना, गुदा के क्षेत्र में ठंडा पानी लगने से बेहतर महसूस होना, जलन और खुजली होना जो रात के समय बदतर हो जाती हो, ऐसे सिम्टम्स होने पर आप जो है एलोसोकोट्रीना की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंद डायरेक्ट टंग पर सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी के लिए खान पान और जीवन शैली के बदलाव। होम्योपैथिक दवाओं को बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है, इसलिए जीवन शैली व खान पान की आदतों से उनका कार्य आसानी से प्रभावित हो सकता है। होम्योपैथिक उपचार के साथ आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है जिनके बारे में बता रहा हूँ। क्या करें? स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं जिसमें संतुलित व पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम शामिल हो सकते हैं। अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए ऐसे लेख व किताबें पढ़ें जिनसे आपको ज्ञान मिले और आपकी पसंदीदा हों। अब मैं बताऊंगा आपको क्या नहीं करना है। तेज फ्लेवर या गंध वाले पदार्थ न लें, जैसे कॉफ़ी और गंध व औषधीय गुण वाले खाद्य पदार्थ, मसालेदार व तीखा खाना न खाएं, इनसे बवासीर की समस्या बढ़ सकती है। खराब खाना न खाएं, जैसे खराब मीट, पुरानी चीज़, खराब सब्जियां आदि। ज़रूरत से ज़्यादा खाना न खाएं और नमक व चीनी का अधिक मात्रा में सेवन न करें। सुस्ती भरी जीवन शैली न अपनाएं। तो दोस्तों
ये अगर आप परहेज करेंगे तो होम्योपैथिक दवाओं से आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और ये आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपकी कोई समस्या है जिसको मेरे से जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलता है कि किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।